हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर गौरव गुप्ता। टुडे मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक कॉमन मिसकंसेप्शन जो बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स को रहती है, एंड दैट इज, क्या रेबीज का टीका गर्म होता है? इज इट अ स्ट्रॉन्ग वैक्सीन? वॉन्ट टू नो वॉट? दिस इज समथिंग विच कम्स अप वेरी फ्रीक्वेंटली कि डॉक्टर साहब, रेबीज का टीका क्या हम बच्चे को लगवाए या ना लगवाए, अगर कुत्ते ने काटा है, बिल्ली ने काटा है, बंदर ने काटा है, एंड क्या इस वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट होंगे, क्या हमें कोई परहेज रखने की जरूरत है? एंड यू नो व्हाई दिस केम अबाउट? बिकॉज आज से कोई 20-30 साल पहले, 20-30 ईयर्स बैक, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज में जो वैक्सीन यूज होती थी, दैट वॉज एन ओल्डर रेबीज वैक्सीन। याद है आपको, पेट के अंदर 14 टीके? जी हाँ, दैट वॉज कॉल्ड द न्यूरल टिश्यू वैक्सीन, NTV। और उस वैक्सीन से कभी कभी एक अनफॉर्चुनेट साइड इफेक्ट होता था, लोगों के ब्रेन के अंदर स्वेलिंग आ जाती थी। दिस मेंट दैट पीपल गॉट रियली रियली स्केर्ड। एक तो 14 टीका पेट में लगाओ और उसके बाद रेयरली ब्रेन में स्वेलिंग भी आती है। आई रिमेम्बर हमारे एक फ्रेंड है, उनके अपने रिलेटिव को ये प्रॉब्लम हुई थी, देयर ओन रिलेशन गॉट एनसेफलाइटिस बिकॉज ऑफ द वैक्सीन, यानी ब्रेन में स्वेलिंग हो गई थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैड टू बी एडमिटेड एंड इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। सो 30 इयर्स बैक, यस, रेबीज वैक्सीन वाज स्ट्रॉन्ग, इट हैड साइड इफेक्ट्स, एंड इट वाज समथिंग जो 14 इंजेक्शन हमें पेट में देने पड़ते थे, सो डेफिनेटली दिस वॉज अ प्रॉब्लम। बट द गुड न्यूज इज, लास्ट कम से कम 20 साल से, especially since I have been in practice, we don't have that vaccine anymore. अब तो इनफैक्ट गवर्नमेंट सेंटर्स में भी वो वैक्सीन नहीं मिलती है, डिस्पेंसरीज में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी आपको जो मॉडर्न रेबीज वैक्सीन है वो दी जाती है। एंड द मॉडर्न रेबीज वैक्सीन इज एब्सोल्युटली सेफ, बिल्कुल बढ़िया वैक्सीन है रेबीज की। इट इज जस्ट लाइक एनी अदर वैक्सीन, जैसे हेपेटाइटिस की वैक्सीन या DPT की वैक्सीन या पोलियो की वैक्सीन या फ्लू की वैक्सीन या टाइफॉइड की वैक्सीन, इट इज जस्ट लाइक दैट। कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट नहीं है। इनफैक्ट मैंने खुद को और अपनी बेटी को और अपने वाइफ को, हम सब ने एक डॉग रखा है, सो वी हैव टेकन समथिंग कॉल्ड द प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, यानी हमें किसी कुत्ते बिल्ली ने भी नहीं काटा है, लेकिन हमने पहले ही रेबीज वैक्सीन लगा के रख ली है। वो क्यों? बिकॉज उससे जब कभी अगर हमें कुत्ते बिल्ली काटते हैं, बंदर काटते हैं, तब हमें 100% प्रोटेक्शन मिल जाती है विद जस्ट 2 डोजेस ऑफ द वैक्सीन। तो मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, आई थिंक प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस पे, आप मेरे चैनल में सर्च कर सकते हैं। बट द बॉटम लाइन इज कि मेरी बेटी ने भी वैक्सीन ले रखा है, मैंने भी वैक्सीन ले रखा है, और अभी तो हमें किसी जानवर ने काटा भी नहीं है। सो इट इज एब्सोल्युटली सेफ, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एंड आई वुड रिकमेंड कि अगर आप पेट्स आपके पास हैं और अगर आप जानवरों के बीच में ज्यादा रहते हैं, यू नो, इन अ सिटी लाइक आवर्स, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, वी हैव लॉट्स ऑफ स्ट्रे डॉग्स। इनफैक्ट आई थिंक पूरे इंडिया में ये प्रॉब्लम है, सो आई थिंक यू कैन टॉक टू योर पीडियाट्रिशियन अबाउट टेकिंग द रेबीज वैक्सीन, स्पेशली फॉर योर चिल्ड्रेन, इवन बिफोर अ बाइट। Why am I asking about this? Why am I telling you about this? Because rabies is the most dangerous infection in the world. जी हाँ, दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी rabies है। वो क्यों? Because इसमें 100% fatality है। Everybody who gets rabies will die. That happens with no other vaccine, and that is why, no other disease. So that is why it is very very important कि आप रेबीज के वैक्सीन के बारे में अपने पीडियाट्रिशियन से जरूर डिस्कस करें। बट वो करें ना करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखना है, दिस वैक्सीन इज सेफ, इफेक्टिव, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इसके बाद कोई स्पेसिफिक परहेज करने की जरूरत नहीं है। पुरानी वैक्सीन थी जिसमें साइड इफेक्ट थे, वो बंद हो चुकी है। आई होप आई बीन एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। अगर आपके पास और कोई भी कमेंट्स है, प्लीज हमारे को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट्स में शेयर करें। आई विल डेफिनेटली गेट बैक, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और हर कमेंट का जवाब भी जरूर देता हूँ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल दैट टाइम, टेक केयर, स्टे सेफ।